अभी क्या उम्र है आपकी? 17 साल। 17 साल, कितनी बचा लेते हो दिन में? दिन में 1000-1500 रुपये बचा लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, नॉर्मल बात है। हाँ, थैंक यू सो मच भाई। साहिल भाई की, यादव भाई की भेलपुरी। राम राम सर सभी को, खंबा गणी सर, राजस्थान मेरा देश मेरा भारत। तो दोस्तों, अभी हम थाने आए एक छोटे से बच्चे की भेलपुरी। तो चलिए बताता हूँ लोकेशन कहाँ है वो। ये है, इन्होंने ये भेलपुरी वाले सिस्टम लगा रखा है। और आपको लोकेशन बताऊँ कहाँ है ये। ये सामने आप सर्किल देख रहे हैं, भगत सिंह सर्किल, इससे आपको चलना पड़ेगा अंबेडकर सर्किल। सामने ये मैक्स जिम है और इसके सामने ही यहाँ पे कॉर्नर में रोड मुड़ रहा है, तो यहाँ इन्होंने लगा रखी है। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं भेलपुरी। देखो, तीन तरह की नमकीन लगा रखी है, मिक्सचर है, वो सेव है, वो एक आलू भुजिया टाइप की दिख रही है, ये मखाने दिख रहे हैं। और यहाँ पे अब ये बनाएंगे अपनी भेलपुरी। तो पहले देखते हैं बनाते कैसे। अभी तो भैया को दे रहे हैं। भैया, एक्चुअल में कितने की दी है आपने भेलपुरी? 20-30-40। साइज़ का फ़र्क होता है? हाँ, साइज़ होता है। अभी क्या उम्र है आपकी? 17 साल। 17 साल, कितना टाइम से काम कर रहे हो अभी? 1 साल से। 1 साल से। पढ़ाई करी है आपने? कुछ पढ़ाई करी है, 10th पास करी है अभी। कहाँ के रहने वाले हो? मानदेव की दौसा। तो यहाँ पे कैसे आना हुआ अलवर में? यहाँ पे घुमाने के लिए आए हैं अलवर। काम धंधा सही चल रहा है? सही चल रहा है। अच्छा अच्छा, चलो एक बना के दिखाओ भेलपुरी। इसे क्या बोलते हैं? इसे मुरमुरे बोलते हैं। ये खट्टी मीठी नमकीन है। अच्छा। ये मिक्सचर नमकीन है। अच्छा। और अब हम प्याज काटेंगे। अच्छा, तो ये आपका वो है जिसमें आप मिलाते हो सब चीज़ें? हाँ जी। अच्छा, तो लगभग कितने बिक जाती हैं टोटल भेलपुरी? कितनी कमाई, कितनी बचा लेते हो दिन में? दिन में 1000-1500 रुपये बचा लेते हैं। बचा लेते हैं 17 साल की उम्र में? हाँ जी। चलो, यहाँ पे कमरा लेके रहते हो? हाँ, कमरा लेके रहते हैं, पापा जी रहते हैं, मम्मी रहती हैं। अच्छा, सब यहीं आगे बांदी कोई छोड़ के गाँव से हो किसी वहाँ के आस पास? हाँ, गाँव है रलावता। तो वहाँ से निकल के आए हो? हाँ, वहाँ से आए हैं। तो पापा भी कुछ करते हैं या आप ही अकेले हो? पापा भी यही काम करते हैं। अच्छा, मिर्च है। और ये क्या है? ये मसाला है, भेलपुरी वाला मसाला। ये मिलता होगा बाजार में? हाँ, मिलता है बाजार में। अच्छा, ये नींबू है? ये नींबू है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। पापा कहाँ लगाते हैं? पापा भगत सिंह चौराहे में लगाते हैं। ये क्या गिरा आपने अभी? ये इमली का पानी है, खट्टा मीठा। ये प्योर इमली का पानी है? हाँ, प्योर इमली का। तो ये इससे थोड़ा स्वाद बढ़ता है। हाँ। तो ये काम कहाँ सीखा भैया आपने? ये काम सीखना तो नॉर्मली बात है, ज़्यादा कठिन है। नॉर्मल बात है। हाँ, मतलब फिर भी कहाँ सीखा आपने? पापा के पास सीखा। अच्छा अच्छा, बना रहो छोटे, कोई बात नहीं। तो अभी आपने कितने वाला बनाया? मैंने बनाया आपको 20 वाला। 20 वाला, ओके। तो ये कौन, देखो कैसे बना देते हैं ऐसे तुरंत। वो ऐसे मोड़ दिया था। क्या नाम भैया आपका? हमारा नाम है साहिल राय। साहिल रॉय? हाँ जी। यादव? यादव। हाँ, चलो यादव साहब की भेलपुरी खाएंगे। ये जो नमकीन है, इसका अलग ही टेस्ट आता हुआ है ना? हाँ, इसका अलग टेस्ट आता है। अच्छा अच्छा अच्छा, और ये चम्मच। थैंक यू सो मच, अभी खा के बताते हैं कैसी है भैया आपकी। ठीक भाई, साहिल भाई की, यादव भाई की भेलपुरी। हाँ, मीठा मीठा सा है थोड़ा। ये मीठा मन किसकी वजह से? इमली के पानी की वजह से? हाँ, इमली के पानी की वजह से। अच्छा, ये मीठा रखते हो आप? हैं? हाँ जी। अच्छा, ये खट्टा भी बन सकता है? खट्टा बन सकता है, लेकिन मीठा आप रखते हो? हाँ, जनरली ज़्यादा ये बिकता होगा। हाँ हाँ, बढ़िया यार साहिल, मज़ा आ गया। तो भाई, ये थे हमारे साहिल भाई के भेलपुरी, वास्ते में अच्छी लगी मुझे। और मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू लेटर गाइस। राम राम से सभी को, खंबा गणी सा, राजस्थान मेरा देश मेरा भारत। तो आप ऐसे देते हो, इसमें नहीं देते? हाँ, इसमें भी दे देंगे। तो इसमें लगा के दो यार आप थोड़ा। अच्छा, ऊपर से नमकीन के देते, ज़्यादा बड़े ये है, छोटे बनाऊंगा।